नमस्कार बच्चों, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड जो हमारे आसपास की दुनिया है वो काफ़ी खूबसूरत है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज़म्स हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि जो आपका लिविंग वर्ल्ड है, बायोस्फीयर है, उसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपके माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के अंदर आते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं वो आपके एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे रिवर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे आपके एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप लिविंग नॉन लिविंग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। नाउ व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब हम ये डेफिनेशन जो है वो एक एक जो वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है। इवॉल्विंग है यानी वो अपने टाइम के साथ अपने चेंजेस कर सकता है, अपने समय के साथ अपने अंदर चेंजेस ला सकता है। सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, उसके अंदर के जो सिस्टम हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके रेगुलेशन कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी वो एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आसपास का जो स्टिमुलस उसको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। नाउ दी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रोथ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रिप्रोडक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी इज़ मेटाबॉलिज्म, फोर्थ प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस। ये पांच प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। नाउ व्हाट इज़ ग्रोथ? इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ द बॉडी। ये नंबर में इंक्रीज हो और जो बॉडी मास है उसमें भी इंक्रीज हो। These are the twin characteristics of the growth. ये जो हैं growth की twin characteristics हैं, increase in number and mass of the body. In multicellular organism, growth occurs by cell division and increase in body mass. जो multicellular organisms हैं उनके case में growth जो होता है उसमें cell division भी होता है और उनके body mass में भी increase होता है। In plants, सेल डिवीजन अकर्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जो प्लांट्स हैं उनके केस में सेल डिवीजन पूरी लाइफ चलता रहता है, लगातार पूरी लाइफ जो है उनकी स्टेम्स आती रहती हैं, ब्रांचेस आती रहती हैं, लीव्स आती रहती हैं, तो जो पूरी लाइफ है उनकी ग्रोथ चलती रहती है। इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। इन केस ऑफ एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टन एज। जो एनिमल्स हैं उनके केस में जो ग्रोथ है वो एक एज तक ही दिखाई देती है। जैसे आप ह्यूमंस के केस में देखते होगे, जो छोटा बच्चा होता है वो ग्रो करता जाता है और एक 18 ईयर्स पे जाके उसकी जो हाइट है वो रुक जाती है और उसके बाद वो मैच्योर होता है। उसके अंदर रिएक्शंस होती रहती हैं, बॉडी मास इंक्रीज होता रहता है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो इंक्रीज नहीं होती है। तो जो ग्रोथ है वो सर्टेन एज तक होती रहती है। जो इस टाइप की ग्रोथ है जो एक एज पे जाके एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है उसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ग्रोथ। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। मल्टी जो एनिमल्स हैं उनके केस में ग्रोथ तो रुक जाती है एक टाइम पे जाके, लेकिन जो सेल डिवीजन है वो चलता रहता है। जो उनके सेल्स लॉस्ट होते रहते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए लगातार सेल डिवीजन चलता रहता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन से होती है। इन हायर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मीन्स दे आर डिफरेंट। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर इंक्लूसिव इवेंट्स, मीन्स दे आर सेम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, सेम है। अगर कल्चर में वो सेल डिवाइड करके ग्रो भी कर रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है तो दोनों इवेंट क्या है, इंक्लूसिव इवेंट है। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो बाय एक्यूमुलेटिंग मटीरियल ऑन द सरफेस, सो द ग्रोथ इज एक्सटेंसिव। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे माउंटेन्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, जैसे जो माउंटेन्स हैं वो एकदम बड़ा नहीं होता है, क्या होता है कि सबसे पहले डिपोजिशन छोटा होता है वो साइज़ में, लेकिन लगातार उसके ऊपर डिपोजिशन होती जाती है, उसकी सरफेस के ऊपर मटीरियल डिपोजिट होता रहता है और उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो एक्सटेंसिक होती है, बाहर होती है, उनकी सरफेस के ऊपर मटीरियल एक्यूमुलेट होने से होती है। वाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंदर से ग्रो करते हैं तो उनकी ग्रोथ कैसी होती है, इंट्रिंसिक होती है, अंदर से। ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बिकॉज कंडीशंस हैव टू बी एक्सप्लेन। ग्रोथ के केस में आपको ये बताना पड़ेगा कि नॉन लिविंग है या जो ग्रोथ हो रही है वो सरफेस पे एक्यूमुलेशन से हो रही है या इनसाइड से हो रही है, तो आपको कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी। इसलिए ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है, नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस करना जो कि मोर और लेस सिमिलर हो पेरेंट्स से। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, इसमें सिंगल पेरेंट होगा, कोई मेल फीमेल पेरेंट अलग से नहीं होगा, एक ही पेरेंट होगा सिंगल। एंड नो मियोसिस अकर्स, कोई रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस नहीं होगी, गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। एग्जांपल्स आर फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, जो फंजाई है वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो फंजाई है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है और जैसे ही उन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो नई फंजाई की जो ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट इज यीस्ट एंड हाइड्रा। यीस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। यीस्ट और हाइड्रा जो है उनकी बॉडी पे स्मॉल बर्ड की फॉर्मेशन होती है और ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करके फुल इंडिविजुअल को की फॉर्मेशन करती है। नाउ दी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस बाय ट्रू रीजनरेशन। अब आपने रीजनरेशन पढ़ा है, अब यहाँ पे ट्रू रीजनरेशन लिखा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे आपने लिजर्ड का एग्जाम्पल सुना होगा कि लिजर्ड की टेल जो है अगर वो कट जाए तो दूसरी टेल आ जाती है, तो उसमें क्या हुआ, सिर्फ लोस्ट पार्ट का रीजनरेशन हुआ, तो ये था रीजनरेशन। लेकिन प्लेनेरिया के केस में क्या है, अगर आप उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हो तो जो तीनों हिस्से हैं वो फुल इंडिविजुअल ग्रो कर जाते हैं, फुल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये है ट्रू रीजनरेशन, यानी पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना देना। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रीजनरेशन सिर्फ कुछ हिस्सों तक होती है। जैसे हमारे अंदर है, अगर हम देखें तो हमारे हेयर्स लगातार बनते रहते हैं, है ना, तो ये रीजनरेशन है। और इसके अलावा जो नेल्स हैं वो बार बार आते रहते हैं, तो ये रीजनरेशन है। ट्रू रीजनरेशन नहीं होती है, वो स्टेम सेल तक ही रहती है, उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। एल्गी, एल्गी बाय फ्रेगमेंटेशन। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, जो एल्गी है उसके पार्ट्स हो जाते हैं, इक्वल पार्ट्स नहीं होते हैं, अलग अलग साइज़ के पार्ट्स हो जाते हैं, टूट जाती है और हर फ्रेगमेंट जो है वो एक नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करती है। नाउ बैक्टीरिया एंड अमीबा, दे रिप्रोड्यूस बाय फिशन।
जो बैक्टीरिया और अमीबा हैं वो साइज में ग्रो करते हैं और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स एंड मियोसिस अकर्स। दो पेरेंट्स होते हैं, वन इज़ मेल एंड अनदर इज़ फीमेल पेरेंट। इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स हैं, वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं। तो अब ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो क्या ये लिविंग नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है उसके बेसिस पे हम जो रिप्रोडक्शन है वो परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। सो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनका सम टोटल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ कैटाबॉलिज्म, द रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स थिंग्स ब्रेक डाउन इंटू सिंपलर वंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जो रिएक्शंस जिनमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें टूट के सिंपल चीज़ों की फॉर्मेशन करती हैं, यानी टूटना है इसमें, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो टूटती हैं और सिंपल चीज़ें बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म, द रिएक्शंस इन विच सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स वंस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बिकॉज नो नॉन लिविंग एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट आउटसाइड द बॉडी। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बॉडी के बाहर हो सकती हैं, सेल्फ फ्री सिस्टम्स में। सेल्फ फ्री सिस्टम यानी इन विट्रो कंडीशन में। अगर रिएक्शन सेल के बाहर होंगी तो इन विट्रो कंडीशन, और सेल के अंदर होंगी तो इन वीवो। आइसोलेटेड रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट आर लिविंग रिएक्शंस। जो रिएक्शंस इन विट्रो कंडीशन में हो रही हैं वो लिविंग थिंग्स नहीं हैं, वो लिविंग रिएक्शंस हैं। यानी जो सेल्स के अंदर प्रेजेंस है उनकी वो ज़रूरी है। एज ऑलरेडी मैंशनड, नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एज ऑलरेडी मैंशनड, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो सिस्टम आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस। सो द प्रेजेंस ऑफ सेल इज मस्ट फॉर बीइंग लिविंग। लिविंग होने के लिए सेल की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नो सच ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं उनके अंदर सेल नहीं मिलता है। सेल कहाँ मिलेगा? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही सेल मिलेगा। द इंट्रैक्शन अमंग द सेल्स रिजल्ट इन टिश्यूज। इंट्रैक्शन अमंग द टिश्यूज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। इंट्रैक्शन अमंग द ऑर्गन्स रिजल्ट इन ऑर्गन सिस्टम एंड इंट्रैक्शन अमंग द ऑर्गन सिस्टम रिजल्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पूरा ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन्स मिलके जब काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब इंडिविजुअल के सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं तो फुल इंडिविजुअल बना देते हैं। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस. व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलाई. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जिसमें वो अपने एनवायरमेंट को सेंस करता है, महसूस करता है और उसके उसमें रिस्पॉन्स भी देता है. सो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो कॉन्शियसनेस है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. नॉन लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा सिर्फ वही अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स देगा. नाउ द बायोलॉजी. अब आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो आप वो जो ब्रांच है साइंस की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे वो क्या होगी? बायोलॉजी. बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. बायोज मीन्स लाइफ एंड लोगोज मीन्स स्टडी. जो बायोज है उसमें आप लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ मतलब है उसका, और लोगोज मतलब टू स्टडी. तो बायोलॉजी क्या होगी? जो आपकी लाइफ है उसके बारे में स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना, उनके एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना, ये हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं.